होंगे। इंसाफ, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, 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 हमारी मांगे पूरी करो, 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट Justice. We want justice. और मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खांडे काजी गुंड, मैं SRTC VRS GHS एम्प्लॉयज एसोसिएशन का बेसिकली प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं अपनी जायज मांगों को लेकर, जो इस वक्त पेंडिंग हैं पिछले 11 साल से सिविल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट और SRTC महकमे SRTC में, दो डिपार्टमेंटों ने आपस में हमारे इस मसले को एक महाज बनाया है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कीम के तहत VRS GHS 2008, 2010, 2012 में लिया है। तकरीबन 750 मुलाजमीन SRTC VRS से VRS GHS स्कीम के तहत निकले हैं, जो स्कीम सरकार ने की थी, जिसमें फाइनल किया गया था कि जो भी SRTC VRS GHS जाएगा तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी उसके हुकूक हैं वो सारे मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तो हमने सिर्फ 60% लिया है, और आज अभी इस वक्त तक 40% हमारे पेंडिंग हैं, जिनकी बिलें इस वक्त भी सेक्रेटरी में बनी हुई हैं और SRTC में बनी हुई हैं। बदकिस्मती हमारी है कि दो डिपार्टमेंटों की टाल मटोल पॉलिसी, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेट और SRTC के डिपार्टमेंट, उनकी डामाडोल पॉलिसी, टालमटोल पॉलिसी से हम गरीब मुलाजमीन मर रहे हैं, क्योंकि हमने नौकरी छोड़ दी थी। तो उस टाइम तो वाजे किया गया था कि आपका जितना भी मतलब पैसा आपका होगा वो आपको हम देंगे। इस वक्त मुख्तसरन हमारे इस वक्त कोला एरियर्स 1999 से 2010 तक, और सिक्स पे कमीशन एरियर्स जनवरी 2006 से 2016 तक अभी पेंडिंग है। लिहाजा हम आपकी वसातत से गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, खुसूसन भटनागर साहब से गुजारिश करते हैं, जिन्होंने इसके बारे में कार्रवाई की है सेक्रेटरी से, लेकिन SRTC की सुस्त रफ्तारी से हमारी ये बिले अभी तैयार नहीं हो रही है। लिहाजा एक बार हम फिर यहाँ अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करने आए हैं। मकसद तो यही है कि गवर्नर J&K UT J&K साहब और भटनागर साहब, जो कि उनके एडवाइज़र थे, तो वो इस वक्त हमारे केस का डील करते हैं। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि हम गरीब मुलाजमों पर गरीब परवरी फरमाए। ये हमें किसी की मिन्नत नहीं है, ना हम कहीं किसी को भीख मांगते हैं, ये अपना हक है। जब हम VRS गए हैं, जो गोल्डन हैंडशेक ली है, ये उस टाइम तक हमारी मजदूरी है। लिहाजा मेहरबानी करके हमें ये पैसा निकलना चाहिए। शुक्रिया।